हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विजय। ये हमारा 27th ट्यूटोरियल है जिसमें हम पढ़ेंगे पब्लिक, प्राइवेट एंड दिस कीवर्ड के बारे में। तो देखिए, इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने क्या किया था, हमने कहते हैं इंडियन डेज को कहते हैं अमेरिकन डेज में प्रिंट करवाया था। तो देखिए, ये भी वही प्रोजेक्ट कहते हैं हमारा प्रोग्राम है, बस थोड़ा सा हमने चेंज किया है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो प्राइवेट है वेरिएबल्स है हमारे, उसको मैंने हमने वैल्यू असाइन कर दी है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको प्राइवेट के बारे में। देखिए, प्राइवेट जो होता है वो जिस क्लास में उसको डिफाइन करते हैं उसी क्लास उसे यूज़ कर सकती है। तो देखिए, जो हमारा ये प्राइवेट है डे, इसे ये पूरी क्लास हमारी क्या कहते हैं एक्सेस कर सकती है और कोई क्लास एक्सेस नहीं कर सकती है। एक से एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, हमारे मेन में देखिए हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है, इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखेंगे ओबीजे डॉट, जो हमारे डे है उसे मैं चेंज करता हूँ। डे इज इक्वल टू, ये देखिए कुछ आ गया शायद, डे इज इक्वल टू, मैं इसे कहता हूँ 9 वैल्यू देता हूँ इसे मैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए एक कहते हैं एक रेड कलर का क्रॉस का डिब्बा आ रहा है, ये एरर बता रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारी प्राइवेट वेरिएबल है। अब इसको चेंज करते हैं, इसको करते हैं पब्लिक, तो आप देखेंगे क्या फ़र्क आएगा। देखिए, पब्लिक करा मैंने, अब आप फिर से हम मेन में जाते हैं और ये पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा एरर था जो हट गया, क्योंकि पब्लिक को हम दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं लेकिन प्राइवेट को नहीं कर सकते। अब जो जो जैसा था उसे वैसे ही कर देते हैं, प्राइवेट कर दिया हमने। और देखिए, हमने एक और चीज़ की, इन सबको वैल्यू असाइन कर दी है और यहाँ पर हमने जो वेरिएबल दिए हैं उन्हें भी वैल्यू असाइन कर दी है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसे रन करता हूँ, रन करते हैं, आउटपुट देखने क्या आता है। देखिए, एरर शो कर रहा है क्योंकि मैंने ये प्राइवेट करके डिलीट नहीं करा, इसको डिलीट करते हैं फिर चलाते हैं। अब देखिए, हमारा आंसर आ गया 20, 10, 30। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा था दिस दिस स्टेटमेंट के बारे में, दिस कीवर्ड के बारे में। देखिए, इसमें क्या हो रहा है, देखिए जब मैंने इसको ऑब्जेक्ट प्रिंट डे को कॉल किया तो देखिए क्या हुआ, प्रिंट डे हमारा प्रिंट हुआ और इसने मंथ, डे और ईयर की वैल्यू कहाँ से ले ली, हमारी ग्लोबल, इसे कहते हैं हम ग्लोबल, ग्लोबल वैल्यू से हमारी वैल्यू ले ली इसे 10, 20 और 30 और प्रिंट कर दिया यहाँ पर 10, 20, 30। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मैंने जब ऑब्जेक्ट सेट डे जो हमारा करते हैं मेथड था उसे कॉल किया, हमने कॉल किया, इंट डी की जगह पर कौन सी वैल्यू गई हमारी, हमारी गई 12, 5 और 15, हमारी 1995 हमारी वैल्यू गई, लेकिन वो वैल्यू जो थी वो हो गई ओवरराइट हो गई, तो वो वैल्यू चेंज हो गई डी इजिकल टू 5, एम इजिकल टू 5, वाई इजिकल टू 199 में। लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर हमारी प्रिंट एलन की, हमारी प्रिंट डे की वैल्यू हमने प्रिंट करी, तो देखिए ये वैल्यू थी जो, ये वैल्यू हमारी प्रिंट नहीं हुई जबकि ये वैल्यू प्रिंट हुई, क्योंकि जब कंपाइलर देखता है तो सबसे पहले वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मंथ, तो मंथ देखेगा कहाँ पर है, यहाँ पर है मंथ, तो वो वैल्यू प्रिंट हो गई। अगर मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को डे कर देता हूँ, डे मैन टी एच मंथ, और यहाँ पर कर दिया मैंने ईयर, और यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, इसे भी चेंज करेंगे डे, और इसे मैं देता हूँ मंथ, और दे दिया मैंने ये ईयर। अब देखिए, अगर मैं इसे रन करता हूँ फिर भी हमारा सेम आउटपुट आ रहा है। देखिए, अब जब ये वाली लाइन चलेगी हमारी लास्ट वाली, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन प्रिंट डे वाली, तो देखिए क्या होगा, जब मंथ देखेगा तो वो हमारे इस वेरिएबल को इग्नोर मार देगा, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले ग्लोबल वैल्यू को देखता है, ये ग्लोबल वैल्यू है हमारी, इसके अंदर देखा ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये लोकल वैल्यूज़ हैं, वो सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर वेरी करती हैं, इसी फंक्शन के अंदर इनका स्कोप है, इसी फंक्शन के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि ये जो डे मंथ और ईयर है हमारा दूसरे मेथड में, तो इसमें इसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड का, दिस दिस एंड यहाँ पर लगा देंगे दिस डॉट। अब देखिए, मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए हमारा आंसर जो हो गया वेरी हो गया 55199 आ गया, जो यहाँ पर लिखा है वो प्रिंट हुआ। अब मैं तो आपको एक और बार समझा देता हूँ कि दिस का यूज़ कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले जब ये वाली लाइन चलेगी प्रिंट डॉट आउट प्रिंट एलन प्रिंट डे, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये कॉल होगा,
ये क्या प्रिंट करेगा, मंथ डे एंड ईयर। तो सबसे पहले देखिएगा मंथ कहाँ लिखा है, मंथ डे एंड ईयर। उसके बाद हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट सेट डे को कॉल किया। कॉल करने के बाद कंपाइलर हमारा यहाँ आ जाएगा और इस चीज़ को देखेगा, यहाँ पर सेट कर देगा और इसको ओवरराइट कर देगा। जो हमने लिखा था ये 12/5/1995, इसको ओवरराइट करके कर देगा 5/5/1999। और वो देखेगा यहाँ पर दिस का यूज़ हुआ है, दिस का यूज़ हुआ है। तो उसके बाद जैसे ही ये वाली हमारी लास्ट वाली कहते हैं लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट एलन प्रिंट डे वाली होगी, तो वो क्या करेगा, जब मंथ देखेगा मंथ कहाँ है, तो सबसे पहले वो जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज़ किया गया है। तो इसलिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं जब हमें किसी फंक्शन के अंदर की वैल्यू को या वेरिएबल्स को प्रिंट कराना होता है। वरना अगर यहाँ पर दिस हटा देंगे तो ये ग्लोबल जो हमारी वैल्यू है उसको एक्सेस करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। विजय आउट।